भाई हमें भी तो कुछ बताइए, सुनाइए अमेरिका के बारे में। क्या बताऊं, बस यही कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है। सुना है बहुत अमीर मुल्क है। जी हाँ, अमीर तो है, लेकिन इसके कई कारण हैं। एक है उनकी जमीन जो हर तरह से बहुत उपजाऊ है, स्पेशली इन मिनरल्स पदार्थ। हमारी जमीन भी बहुत अमीर है, मगर फसलों हमारी ताकत हमारे खेत है। अरे बाबू, बारिश पानी का क्या? सूखे की समस्या तो वहाँ पर भी होगी। और बिजली का क्या? वहाँ पर आम लोगों के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम, बिजली पानी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास न है और न कभी होएगा। क्या? संस्कार और परंपरा। हाँ भाई हाँ। और जब तक ये हमारे पास हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। हाँ भाई, संस्कार और परंपरा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपको क्या लगता है मुन्ने सर? हमें तो नहीं लगता है कि मोहन जी इस बात को मानते हो। क्यों मोहन जी? जी हाँ, मैं नहीं मानता, हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। लेकिन ये जरूर मानता हूं कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। देखिए, ये दोनों देश हर पहलू हर रूप में एक दूसरे से बहुत अलग है। शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने बात छेड़ी है इसलिए कह रहा हूं। जब भी हम मुकाबले में दबने लगते हैं तो हम एक ही चीज का आधार लेते हैं, संस्कार परंपरा। अमेरिका ने अपने बलबूते पर तरक्की की है और उनके अपने संस्कार हैं, अपनी परंपरा है। अब यह कहना कि उनके सोच विचार, उनका रहन सहन, उनकी मान्यताएं खराब हैं और हमारी महान, ये गलत है। मैंने तो यहां तक सुना है बेटा कि वो लोग उन नस्लों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो बाहर से आकर बसी हैं। देखिए, कुछ मतभेद हैं, कहां नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब हमारे बनाए हुए भाई। अरे वो तो शुरू से ही चल रहा है हमारे यहां, जाति धर्म वर्ण व्यवस्था। और सुनो, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। जो सदियों से चली आ रही है, जरूरी नहीं कि वो सही है। तो अपनी आंखिन पर चढ़ा चश्मा हमारी आंखिन पर फिट किया चाहता हूं मोहन बाबू? मैं कोई चश्मा फिट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो आप लोगों के बीच कुछ दिन रहकर मैंने महसूस किया, देखा। वो ये है कि हम लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि हमें लड़ना चाहिए अशिक्षा के खिलाफ, बढ़ती आबादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम में से हर कोई हर रोज गलियों में, सड़कों पर, कहीं ना कहीं यही कहता रहता है कि इस देश का कुछ नहीं होने वाला, ये देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ यही कहते रहे तो सचमुच एक दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा, और इसके लिए आपको कुछ करना है। आपको भी, सिर्फ पंचों को नहीं, आप सब गांव वालों को। आप अपनी समस्याओं के लिए इन पंचों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन इनकी जगह पर आकर आप भी वही करेंगे। और ये बात मुझ पर भी लागू होती है। दलित ब्राह्मण को दोष देते हैं, ब्राह्मण कहते हैं दलित उनके उनकी उनकी